तो हेलो गाइस, तो भाई क्या हाल चाल, तो कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी पुरानी वीडियो में जो पिछली वाली वीडियोस थी हमारी, उसमें आपको पता है कि मेरा जो डायमंड था, 16 डायमंड हमारे पास था, वो सारे के सारे डायमंड्स हमारे चोरी हो गए थे जो कि ब्लास्टर ने लिया था। तो आज वही हम लोग का सीधा सीधा भाई सिंपल फंडा है कि आज हमको डायमंड खोजना है। और ये जो डायमंड है गाइस, वो कहाँ मिलने वाला है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे मिलेगा भाई, हमको समझ में तो आ तो नहीं रहा है। हमको बेसिकली पूछना पड़ेगा कि ब्लास्टर भैया कोई हिंट है तो दे दो। ब्लास्टर खेल नहीं रहा, जब उससे पूछा तो उसने कुछ बताया नहीं, बोला कि आप ट्राई करिए फिर उसके बाद मैं हिंट बताऊंगा, फिर खोजिएगा। तो हमने बोला ठीक है भैया, हिंट बता देना, पहले ट्राई कर लेते हैं कहाँ मिलता है। रात हो गई है तो उससे पहले सो लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलिए इंट्रो बोल लेते। तो हेलो गाइस, इसमें कृष्ण, यू आर वॉचिंग कृष्ण गेमिंग। ये है माइनक्राफ्ट का हाइपर एक्स एसएमपी का सर्वाइवल सीरीज नंबर पिछले का अगला, तो सीरीज याद नहीं है। तो उससे पहले फटाफट एफजी के घर में शायद होगा, मेरे हिसाब से यार एफजी ने तो लिया नहीं है, तो एफजी के घर में तो नहीं होना चाहिए। बाय द वे बाकी देखते हैं और कहीं मिल जा रहा ठीक है एफजी घर में, क्या पता जैसे कोई चीज़ जाती है, जैसे कि मान लो किसी का बहुत बड़ा चीज़ खो जाता है, जो कि एक कहावत कही गई है कि भैया अगर आदमी खो जाता है तो लोग सुराही में भी देख लेते हैं, मतलब गगरी होता है, घड़ा होता है, घड़े में भी एक बार हाथ डाल के देख लेते हैं, जबकि ये पता रहता है कि भाई घड़े में आदमी तो जाएगा नहीं। एक कहावत कही गई है हमारे यहाँ कि भाई साहब की आदमी खो जाने पर लोगों एक बार सुराही में मतलब घड़े में भी देख लेना चाहिए, ठीक है, ऐसे लोग करते भी। और ये रहा हमारा जो फॉर्म है, क्या नाम है इसका, एक्सपी फॉर्म है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं और जॉम्बीज भी आ रहे हैं, बट जैसे हम लोग अगर इस वीक गेम में नहीं रहेंगे ठीक है, तो जॉम्बीज यहाँ पे स्पॉन नहीं होंगे। हमें यहाँ पे किसी न किसी को रहना पड़ेगा, मतलब कोई अगर सर्वर में रहेगा तभी जॉम्बीज यहाँ पे स्पॉन होते रहेंगे, अदरवाइज स्पॉन नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जॉम्बीज आ रहे हैं और मारने पे एक्सपी वगैरह मिल रहे हैं, कुछ आइटम्स भी मिल जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे बाफ करना थोड़ा सा इसकी टाइप का आ रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही दौड़ रहा हूँ, संडे है तो यार संडे को कुछ और भी काम हो जाते हैं तो डबल मेहनत पड़ जाती है। हालाँकि इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह सारे के सारे संडे को बंद रहते हैं, बट और बाकी सारे काम घर के वगैरह रहते हैं तो इधर उधर दौड़ना वगैरह पड़ जाता है, और फिर उसके बाद कंटेंट भी ढूंढना रहता है, तो बहुत सारे रहते हैं काम, तो इसकी वजह से थोड़ा दौड़ धूप में भाई टेंशन हो जाता है। तो भाई साहब हमको लग रहा है ना ये कहाँ भेजा होगा यार, यार शायद उनके पास ना भेजाओ, जो प्लेजर्स है शायद वहाँ पे ना भेजाओ, क्योंकि वहाँ पे अक्सर करके मैं तो चाहता हूँ नहीं, क्योंकि बेसिक सी बात है वो प्लेजर्स स्पॉट है। और अभी तक हमारे पास डायमंड का आर्मर नहीं है, मेरे पास वही डायमंड था यार एफजी से लिया था लाइफ में पहली बार इस माइनक्राफ्ट के सर्वर में, बट भाई ऐसा कांड हो गया। तो हमें लग रहा है ना भाई, एक मिनट ये सर्वर मेरा डिसकनेक्ट हो गया। तो भाई साहब मैं अभी पूछ के आया हूँ कि भाई ये कहाँ मिलेगा, तो उसने बोला है कि भाई ये जो मिलेगा हमारे जो क्या बोलते हैं इसका माइनिंग एरिया ना गाइस, माइनिंग एरिया के आसपास है और उसी के एरिया में मिल जाएगा। लेकिन मैं यार मेरे को लग रहा है ना कि भाई इधर जाना चाहिए, मुझे एक बार ट्राई मारना चाहिए, लेकिन भाई आ रहा है उधर पिलेजर, इधर से आ रहा है, तो सबसे पहले भाग लेते हैं और माइनिंग एरिया के आसपास ही खोजते हैं। और शायद ये माइनिंग एरिया के आसपास ही ऋषभ ने बोला है कि माइनिंग के अंदर नहीं जाना है, माइनिंग एरिया के जो है ना, जो माइनिंग एरिया का फेस है, मतलब कि जिस माइनिंग एरिया से ढूंढ घुसते हैं, देखो इधर ही बताया गया कि इधर ही है, इधर ही के आसपास कहीं है, यहाँ पे आएंगे और बोला कि इतना एरिया तक कहीं आप ढूंढ लीजिए, यहीं के एरिया के आसपास है। तो इस चेस्ट वगैरह में देखते हैं तो मिल तो नहीं रहा भाई, तुम्हें कहाँ रखा है यार, इतना हिंट तो दे दिया कि बस इसी एरिया में, अब इसके नीचे भी नहीं है बोला है, तो मतलब कि इधर ही एरिया में कहीं ना कहीं छुपा के तो रखा है उसे, अब कहाँ रखा है मालूम नहीं। और बोला ये भी है कि आपको ब्लॉक व्लॉक कोई तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल सीधा सीधा दिख जाएगा, आपके सामने ही रहेगा एकदम। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार किधर सामने रहेगा, इस साइड में कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब कहाँ पर रखा होगा भाई, ये पूरा एरिया मैं देख लिया हूँ बट शो नहीं हो रहा यार, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। इसमें ये तो बाहर है माइनिंग एरिया के यार, फिर भी आसी पास है, इसमें भी नहीं है, कहाँ होगा, इस साइड भी नहीं है, और शायद यहाँ पे ना हो। लेकिन यार उसने बोला था कि हमको कुछ ब्लॉक अगर तोड़ना नहीं पड़ेगा, सामने ही दिख जाएगा। एक मिनट, ये कौन है, कहाँ, वो प्लेजर कहाँ से आ गया भाई, इसको तो मैंने बंद किया था। एक मिनट, कहाँ से आ गया, पहले इस साइड से हम भाग लेते हैं, कहाँ से आया, अच्छा वो सामने ब्लॉक लगा है, शायद किसी ने एफजी वगैरह ने ब्लॉक लगा दिया, तो मैं भी उसी ब्लॉक से चढ़ के अंदर आया है, शायद क्लियर नहीं हूँ मैं, जैसे भी पहले इसको हमको मारना पड़ेगा। और मेरा थोड़ा नेट इशू है तो मेरा गेम भी लैग हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, नेट इशू हो जा रहा है बार बार, देखो मर गया भाई तुम्हें। लेकिन यार हमारा डायमंड कहाँ पे है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कहाँ पे हो सकता है डायमंड, इस साइड के एरिया में तो होगा नहीं, सबसे पहले ये ब्लॉक चल के तोड़ देते, नहीं तो बार बार पिलेजर्स आते रहेंगे।
और वहीं पे हमला करते रहेंगे। और मुझे प्लेजर से इस समय बहुत डर लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं और मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग आर्मर है नहीं। तो सबसे पहले बेसिकली हमको ये काम करना पड़ेगा कि ताकि कोई और हमारे बाउंड्रीज में फेंसेस के अंदर ना पाए। तो यहाँ पे ये काम हो गया, तो भाई फटाफट अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई कहाँ पे है। यार मैं परेशान हो गया हूँ भाई, मेरा डायमंड तो चाहिए ही चाहिए मुझे। चलिए चलते हैं, चलते हैं। एक मिनट एक मिनट, ओ भाई सामने पड़ी हुई है चेस्ट, और माफ़ करना यही चेस्ट में हो सकता है गाइस। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी चेस्ट में हो सकता है हमारी चीज़। और इसको ओपन कैसे करें, नहीं हो, अच्छा समझ में आया, ऊपर एक ब्लॉक रखा है इसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा है। तो मतलब हमको एक ब्लॉक तोड़ के हमको डायमंड अपना लेना पड़ेगा। हमारे पास 8-8 16 डायमंड टोटल थे। अब देखते हैं भाई कितने डायमंड यहाँ पे बचे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं या फिर नहीं मिलती है। बाय द वे ब्लस्टर ने बोला कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं उसमें, क्योंकि अब वो खेल नहीं रहा है तो कुछ चीज़ें बनाया था, बोला कुछ उसका यूज़ भी नहीं किया, वो ऐसे ही मैं रखा हूँ। हमने बोला ठीक है भाई सब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी, तो यहाँ पे लगा लेता। थोड़ी सी बाहर की आवाज़ें आ रही है तो इसको इग्नोर करना, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे इसको लगा कि ऊपर चलते हैं और सबसे पहले ब्लॉक तोड़ के चेस्ट में से निकालते जो भी चीज़ें, और हमको लग रहा है कि भाई 110% यही है हमारा जो भी है। ठीक है इसको सबसे पहले तोड़ते हैं और ये वाला ब्लॉक तोड़ते हैं और चेस्ट ओपन करते हैं और बूम भाई यहाँ पे 16 डायमंड। ओ ओ भाई साहब डायमंड के चारों हथियार मेरे पास हो गए। एक तो ऑलरेडी हमको एफजी नहीं दिया था और तीन हमारे पास यहाँ से मिल गए। तो मीन्स भाई सोचो यार, आप पुरानी वीडियोस हमारी देखेंगे तो आपको पता होगा भाई सब इस डायमंड के लिए कितना परिश्रम कर रहा हूँ काफ़ी दिन से, और जाके मुझे आज मिली है। चलिए मैं डायमंड की सारी चीज़ें नहीं बनाया हूँ भाई, तो डायमंड के आर्मर अब शायद बन सकते हैं। ठीक है कुछ आर्मर बन जाएगा तो बस यार आज मिल गया, तो आज आगे नहीं खेलूंगा। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।